वो मेरी जैसी जनरल कास्ट से बिलीव करते हैं और जनरल कास्ट में रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं राजा श्वसन आपका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज चुनाव का महापर्व है और आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में एक स्कूल है जिसका नाम है शिशु मंदिर स्कूल, और यहीं पे हमारा पोलिंग बूथ था। हमारे परिवार ने सारे हम लोगों ने यहीं वोट डाला है। वोट देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने दिया है। आशा करता हूँ आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में वोट डालेंगे। और मेरा नाम राजेश रोशन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरे चैनल का नाम आर रोशन 407 है। मैं जीता जागता आदमी हूँ, मैं कोई AI नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल के आप सब्सक्राइबर बने, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसी तरह के वीडियोज़ अपडेट के लिए मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं भी आप ही का भाई हूँ, आप ही का बंधु हूँ। और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और मैं अपने चैनल में अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। मेरे से जुड़े रहिए आगे के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश रोशन, आपका अपना यूट्यूबर साथी, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी दिन के 2 बजे हैं और जैसा कि मैंने आपको अपने एक छोटे से व्लॉग में बताया था कि झारखंड में राज्य स्तर पर चुनाव हो रहे हैं। यहां किस पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा ये सब तो बात की बातें हैं। पहले मैं आपको अपना छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ। मैं जमशेदपुर के छोटे से गाँव या शहर या कस्बा बोलिए बिरसा नगर में रहता हूँ। हमारा ज़िला पूर्वी सिंहभूम है और हमारे झारखंड में आज 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं इस बार। और पहला चरण आज है 13 तारीख और दूसरा चरण जो है वो 20 तारीख को होगा और 23 तारीख को मतगणना होगी, उस दिन काउंटिंग होगी और ये तय होगा कि झारखंड का नया वर्चस्व किसे मिलेगा, CM कौन बनेगा। पार्टियाँ बहुत सारी मैदान में हैं। NDA में आप जान ही रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, खास करके BJP हैं और UPI अलायंस में कांग्रेस है, JMM है और भी तमाम पार्टियां हैं। तो इस प्रकार से दशा और दिशा तय होगी कि झारखंड का अगला CM कौन होगा और झारखंड में किस पार्टी को प्रचंड बहुमत बोलिए, आंशिक बहुमत बोलिए, लेकिन बहुमत किसे मिलेगा। किसी से राज्यपाल चुनाव के बाद सरकार बनाने का न्योता प्रदान करेंगे और वो सरकार बनाएंगे। अब रहा सवाल इस बात का कि आज हमने वोट डाला, हमारे परिवार ने भी वोट डाला और हम लोग जिस बिरसा नगर एरिया में रहते हैं वहाँ एक हमारा स्कूल है जो मैंने काफ़ी दिखाया है। उस स्कूल का नाम है शिशु विद्या मंदिर स्कूल, प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल। वो स्कूल है ये सामने देखिए। इस स्कूल के बाहर आपको कुछ गाड़ियां बसेस खड़ी मिलेंगी, कुछ बस खड़ी हैं। इन बसों में ही पोलिंग एजेंट्स आए थे और CRPF के कैंप भी आए थे। ये सारे यहां पे तैनात हैं और वोटिंग करवा रहे हैं। और हमारा परिवार हम लोग वोट दे के आए हैं। तो वोट देने तो हम लोग गए और वोट देकर भी हम लोग आए, लेकिन उस प्रकार का जो एक उत्साह होता है वोटरों में, क्योंकि हमारे कैडर के लोग, हमारे लोग और हम जिससे जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हम लोगों ने दलगत नीति का बात किया। हमने दलगत रूप से सबसे बात किया और वहाँ लोग बैठे हुए जो हमारे थे मित्रगण और साथी, तो वोटिंग का प्रतिशत अभी तक उतना बढ़िया नहीं है। और कारण आज तो राजकीय अवकाश जारी किया गया है, फिर भी वोटिंग का प्रतिशत उस तरह नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। और वही सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा भी क्या है कि लोग मतदाता इतना बोलने के बाद भी जागरूक नहीं हो रहे हैं और बाद में वही रोना रोते हैं कि
फला सरकार हमने चुना नहीं, फला सरकार हमने ठीक से चुन लिया होता तो आज ये स्थिति ना होती, ऐसा कहने का नौबत न दीजिए। अभी भी आपके पास 2 घंटा टाइम है, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है, कृपया करके मतदान कीजिए। जिस गाड़ी में अभी ब्लॉक बना रहा हूँ इस समय भी 2 या 2:05 हो रहे हैं, आज 13 नवंबर है, 2:05 पे मैं ये ब्लॉक बना रहा हूँ, और लोगों से अपील है कि जाकर वोट दें और जितना जल्दी हो सके जल्दी से मतदान करके अपने आ जाएं, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने अपने जो पोलिंग बूथ बनाए गए वहाँ जाएं और जमशेदपुर में वोट डालें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज का दिन हम लोग महापर्व के रूप में से जानते हैं इसे, तो कृपया वोट दीजिए। और क्या ही कहूँ, आज वोटिंग डे है तो देखिए इतना भीड़ तो आपको नहीं दिख रहा होगा जितना मैं आपको कैमरे में दिखा पा रहा हूँ, उतना भीड़ आपको नहीं दिख पा रहा होगा, देखने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग हैं और ये इस प्रकार से वोट डाल रहे हैं। यह पूरा चारों तरफ का परिदृश्य है, मैं चारों तरह का तरफ का परिदृश्य आपको दिखा दे रहा हूँ छत के ऊपर से। ये मेरे घर का छत है, आप देख लीजिए चारों तरफ का, ये देखिए ये नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड घूम रहा है, ये हम लोग धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहे हैं। पश्चिम में यह स्कूल भी है, शिशु मंदिर स्कूल, और ये हो गया हमारा दक्षिण का भाग, ये दक्षिण में इस तरह से है, और ये धीरे धीरे हम लोग घूमते हुए पूरब की ओर आ गए। पूरब में आपको पेड़ वेड़ है, नारियल के पेड़ हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, यह पूरब का भाग है। तो हाँ, तो जारी रखते हुए मैं ये इतना कह सकता हूँ कि वोट नहीं देने के पीछे का जो रीज़न है, वोट लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं, और नहीं देने के पीछे का रीज़न है कि देखिए मेरे हाथ में ये निशान, देखिए ये निशान बताता है कि मैंने वोट दिया है ठीक है। आप भी अगर वोट डालते हैं तो वोट देने के पहले आपको ये स्याही नीली रंग की लगा दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने अपना वोट डाल दिया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वोट नहीं देने के पीछे कुछ लोगों का, कुछ तबकों का रीज़न यह भी रहता है, वो मेरे ही जैसे जनरल कास्ट से बिलीव करते हैं और जनरल कास्ट में रहते हैं, और जनरल कास्ट वालों को क्या ही कहा जाए, जनरल कास्ट वालों को कोई पार्टी, कोई राजनीतिक या कोई क्षेत्रीय दल भी साथ नहीं देता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या कोई भी जो हैं, वो हम जैसे जनरल कास्ट के लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। और बताता हूँ, जनरल कास्ट हर मामले में अछूता रह गया है। पिछले 25-30 सालों के इतिहास में अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हमारी पीढ़ी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। हम जितने भी जनरल कास्ट वाले लोग हैं, ये लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो सारा आरक्षण का कोटा, जितने मलाई वाले काम हैं और जितने मलाई वाले पद हैं या अवसर हैं मलाई वाले, वो सारे अब SC ST OBC के खाते में चले गए हैं। SC ST OBC आप जानते ही हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो उदासीन रवैया जनरल की तरफ से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जनरल वाले वोट देने बहुत कम जा रहे हैं। जनरल वालों को भी चाहिए कि नाराज़गी तो है केंद्र से, राज्य सरकार से भी, लेकिन नाराज़गी आप इस प्रकार जाहिर कीजिएगा कि चुनाव में आप अपना नेता ही नहीं चुन पाइएगा, तो आपके लिए और ये बदतर स्थिति हो जाएगी। हाँ, हम जितने भी जनरल कास्ट वाले हैं वो मिलकर एक बात कर सकते हैं,
राज्य स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, शुरुआत तो क्षेत्र स्तर पर होगी और फिर राज्य स्तर पर। तो जनरल कास्ट में आप जानते हैं कि कौन कौन आते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बाकी लोग जो हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, ये सारे अब जनरल कास्ट में ही आते हैं हम लोग। तो बात तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी स्तर पे बातचीत हो, चाहे उसके लिए आपको अगर एक हल्का फुल्का आंदोलन करना पड़े, लेकिन आप कर सकते हैं। तो लोगों में शिक्षा की भारी कमी है। शिक्षा की भारी कमी कहने का मतलब कि 10+2 पास कर जाने से नहीं होता और साक्षर बन जाने से नहीं होता है, दिमागी रूप से भी आपको साक्षर बनना पड़ता है। अगर आप दिमागी रूप से भी साक्षर नहीं बनते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बहरहाल बहुत सारे लेक्चर्स में दे रहा हूँ, लेकिन ये यथागत स्थिति यही है और तथाकथित यही बात है कि हम लोगों को इस चुनाव से, जनरल कास्ट वालों को चुनाव से कोई फ़ायदा होता नहीं है। हमारे बच्चे या हम जब बच्चे थे तो भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ और हमें बहुत कम्पिटिटिव होना पड़ता है बनिस्बत SC ST OBC के। और चूंकि अब हम लोग उस पड़ाव पे आ गए हैं कि हमारे बच्चे भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो सरकार को चाहिए और ये होना भी चाहिए कि जनरल वालों को भी ध्यान दे। जनरल में भी बहुत ऐसे तबके हैं जो बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, और सरकार को इन सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि एक नीति बनाए। देखिए, कास्ट सर्वे होना कोई गलत नहीं है, कास्ट सर्वे कि हम हिमायती हैं, कास्ट सर्वे होना चाहिए, जातिगत आपका सर्वे होना चाहिए कि लोग कितने प्रकार की जातियाँ किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में रह रही हैं। इससे सरकार को भी फायदा होता है, नीतियाँ बनाने में सरकार को इनसे क्या कहेंगे, फ़ायदा होता है और उनको सुविधाएँ मिलती हैं और वो आराम से किसी चीज़ को पारित करवा पाते हैं। और क्या ही कहूँ, तो यह ब्लॉग बस अभी इतना ही रखता हूँ, समाप्त करता हूँ। समस्याएँ लंबी हैं, अनगिनत हैं, क्योंकि ये चुनाव का महापर्व है तो आया है, तो हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। और अंत में यही कहूँगा कि मेरा नाम राजेश रोशन है, मैं झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं बिलोंग तो अपने गया शहर से करता हूँ, जो हमारा गांव है बिहार में, गया सिटी, बट फिलहाल जीवन यापन के लिए, कमाई के लिए यहीं पे रहता हूँ और यहीं टाटा मोटर्स एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, उसमें काम करता हूँ। और ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है, बट बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। बहरहाल मेरे चैनल को देख रहे हैं आप लोग, इस चैनल का नाम पहले राजेश रोशन 407 हुआ करता था, अब यह चैनल बदलकर आर रोशन 407 हो गया है। आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैंने अपने अबाउट सेक्शन में भी यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप लोग प्लीज़ भरमाइएगा मत। मैं वही पुराना राजेश रोशन 407, अब आर रोशन 407 हो गया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मैं शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और क्या ही कहूँ, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, आप लोग मुझे बहुत चाहते हो, मुझे पता है, आप लोग मुझे इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड,